अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अहमद फूडीज। तो गाइस आज मैं आपको लेकर आया हूँ कराची की दिल पसंद चिप्स खिलाने के लिए। चले आए गाइस, इनके ओनर से बात करते हैं और अपने लिए एक अच्छी सी दिल पसंद चिप्स लगवाते हैं। चले आए गाइस। तो भाई ये घर से आप रहे कराए करके आए हैं जी? टाइम बचाने के लिए कस्टमर का टाइम बच जाए। तो ये गाय चली थी फ्राई होने के लिए, एकदम अच्छे से देख करके फ्राई करें भाई। तो कितना टाइम लगेगा भाई इसको फ्राई होने में? 3 से 4 मिनट लगेंगे। तो भाई ये 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। भाई चीज तैयार हो चुकी है, वो भी निकालेंगे इसको भाई। ये देखो एकदम अच्छा सा कलर दे रहे हैं, कितनी अच्छी लग रही चिप्स हमारी। अभी इसको बाइक बाइक निकालेंगे तो देख सकते फ़र्क। ये अभी हाफ फ्राई और ये फुल फ्राई चिप्स हमारी। और इसको आगे अंडे लेंगे बर्तन में, ये इसको अच्छी तरीके से भाई ने साफ कर लिया। ये चली गई बॉल में, ये आ गई माई चिप्स। ये देखिए कितनी अच्छी चिप्स लग रही है, यहाँ पे कलरफुल लग रहे हैं काफ़ी। तो अभी इसमें देखेंगे क्या क्या डलता है भैया। इसमें चाट मसाला है, ये आ गया इनमें चाट मसाला, ये आ गई चाट मसाला। और ये आ गई चाट, ये क्या चीज़ डाली? फ्लेवर। ये फ्लेवर्स, ये फ्लेवर्स हैं। क्या क्या फ्लेवर है भैया? बारबेक्यू है, चीज़ है, चिकन है, ग्रीन चिली है। ग्रीन चिली, बारबेक्यू, चिकन है। ये भाई अच्छी तरह के मिक्स कर रहे हैं इनको, देख सकते हैं गाइस ये एकदम चटपटा हो गया यहाँ पे। और ये भाई पैक कर रहे हैं किसी के लिए, कस्टमर के लिए। यहाँ पे पैकिंग मशीन लगती मौजूद है, ये पैकिंग हो रही है। कितने भाई अच्छे तरीके से पैकिंग कर रहे हैं इनको। भाईजान कैचअप वगैरह लगानी है? ये देखें ऊपर आगे कैचअप, कस्टमर की डिमांड पे ऊपर कैचअप लग गई। और ये देखें ये ऊपर आगे मेयोनीज, एकदम क्रीमी क्रीमी सी हो गई है चिप्स। और ये ऊपर आ गया, ये ऊपर मसाले ऊपर डाले भैया कस्टमर के लिए। ये देखें ये कस्टमर के लिए पैक हो गई भाई, ये चल रही है। तो भाई आपका नेम क्या है? माय नेम इज़ राना शकील। राना शकील जी, तो कब से शॉप चला रही है? ये तकरीबन 3 साल से वर्किंग कर रहे हैं। 3 साल से हमें वर्किंग हो रही है। 3 साल से। तो सर ये प्राइस क्या रहती है चिप्स प्लेट की? इसमें हमारा मिनिमम जो प्राइस है वो 30 रुपीज़ पर पैक है। 30 रुपीज़? हाँ 30 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ हमारा पर पैक। तो सर यहाँ पे शॉप बनाने का आइडिया कहाँ से आया आपका? आइडिया इससे पहले जॉब कर रहे थे फास्ट फूड शॉप पे, तो सोचा कि क्यों ना अपने शहर में जाके अपनी ही जगह पर एक अच्छा छोटा सा सेटअप लगाया जाए। अच्छा सर। ताकि लोगों को बेहतर चीज़ फराम कर सकें, बेहतर अच्छा टेस्ट दे सकें। अच्छा टेस्ट। इसके अलावा हम लोग जो है अपना फ्लेवर वो समझ लें कि आउट ऑफ सिटी से इंपोर्ट करवा रहे हैं। आउट ऑफ सिटी से आपका फ्लेवर इंपोर्ट? हाँ इंपोर्ट हो रहे हैं आउट ऑफ सिटी। ज़्यादातर जो हमारी फ्लेवर और आइटम्स है वो कराची से आ रही है। कराची से आ रही है? कराची से आती है यहाँ पर, क्योंकि अवेल नहीं है। अवेल नहीं है यहाँ, और ज़्यादा इसका ट्रेंड भी नहीं है। इस वजह से हमने ये सोचा है कि यहाँ पर लोगों को ज़रा डिफरेंट एक चीज़ दें, एक डिफरेंट टेस्ट दें, ताकि कस्टमर की जो ना मतलब कि हमारे शहर वालों को पता हो कि ऐसी चीज़ें भी, ऐसी चीज़ें भी पाक पसंद मिलती हैं। बिल्कुल मिलती हैं। तो अच्छी बात, विजिटर माशाल्लाह बहुत आते हैं, विजिटर आते हैं यहाँ। हाँ तो माशाल्लाह जो भी टेस्ट करता है खाता है खुश होता है, क्योंकि एक डिफरेंट चीज़ मिल रही है, एक डिफरेंट टेस्ट मिल रहा है। उसके अलावा इस तरह का सेटअप होता नहीं है ज़्यादातर लोगों के पास, क्योंकि मायो गार्लिक वगैरह हो गया, ग्रीन चटनी वगैरह हो गई, तो ये हमने एक डिफरेंट उसके साथ जो है ऐड किया है, जिसकी वजह से माशाल्लाह टेस्ट दुबाला हो जाता है। कि आपने अपने अच्छे टेस्ट के लिए आप बाहर से चीज़ें भी इंपोर्ट करते हैं कराची वगैरह से? जितना हमसे होती है, यानी कि अपनी तरफ से कोशिश होती है कि साफ़ सुथरा माहौल हो, एक अच्छी चीज़ खाने को मिले कस्टमर्स को, और कुकिंग ऑयल भी अच्छे से अच्छा इस्तेमाल, कुकिंग ऑयल भी अच्छे से दीजिए। तो सर ये हफ्ते में 8 डे ओपन होती है? हफ्ते में 6 डे ओपन करते हैं। 6 डेज ओपन करते हैं? 6 डे ओपन होते हैं। और एक दिन की आप हॉलीडे करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर ये यहाँ की लोकेशन कहाँ पे है? ये लोकेशन हमारी पाक पतन नियर नगीना चौक, बाबू पान शॉप, बाबू पान शॉप के साथ। तो सर इसके अलावा कोई और जो भी कहते हैं यही सेटअप हमारा फिलहाल माशाल्लाह यही सेटअप है। आगे इंशाल्लाह ये कि छोटे छोटे पॉइंट बढ़ाने के इरादे और ब्रांचेस भी बनाने के आपने सोचा? बात ऑलरेडी है, बात ऑलरेडी है, ऑलरेडी है। हमने अपने शहर में इसीलिए स्टार्ट किया है कि वहाँ तो इस तरह की चीज़ें आम है, हम चाहते हैं कि हमारे शहर के अंदर भी इस तरह की चीज़ें आम हो, और माशाल्लाह हर बंदा इस चीज़ को समझे।
ज़्यादातर जो लोग नौकरियाँ कर रहे हैं मेरे उनके लिए एक पैगाम है छोटा सा, वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि मतलब अपने छोटे छोटे सेटअप स्टार्ट करें, हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा होता है कि इंसान एक छोटा सा स्टेप ले तो उससे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते मतलब बढ़ते छोटे स्टेप से ही आगाज होता है, बड़े बिजनेस का होता है, बिल्कुल होता है। आज अगर ये छोटा सा पॉइंट हो तो कल को इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये फास्ट फूड का पूरा एक पॉइंट बन सकता है, पूरा पॉइंट बना सकता है। तो गाइस सुन सकते हैं, एक छोटा सा स्टेप लेने की ज़रूरत आती है, अपना बिजनेस शुरू करने में आप दिक्कत नहीं महसूस होनी चाहिए, सिर्फ एक छोटे स्टेप से आप आगाज कर सकते हैं अपने बड़े बिजनेस के लिए। ठीक है, नीयत होनी चाहिए लोगों की कि अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है। तो यहाँ के एक आप मिसाल देख सकते हैं, भाई ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है। तो सर यहाँ की चीज़ कैसी है? जी जी माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो पहले इसका उधर लगा हुआ था स्टॉल, उधर साइड पे जी जी उधर लगा हुआ था, तो उधर हम पहले खाते थे आगे, मतलब जायका बहुत अच्छा था। जो और इसे बंदर का हमने पूछा था वो कहता है कि मैं कराची से मतलब आया हूँ, काम किया मैंने कराची से, यहाँ पे काम करना जी कराची से काम किया जी। इधर हमने इसने चौक अपना चिट्टी कबर उधर भी उसने काम किया उधर जी, उसके बाद फिर ये निगिना चौक इधर ये शिफ्ट होकर दोबारा आ गए। तो इसका जायका बहुत अच्छा है, और हमारे जो भी दोस्त भाई से आते हैं और मेरे से चिप्स खिलाते हैं। तो सर प्राइस भी इनकी मुनासिब है? हाँ प्राइस भी मुनासिब है और टेस्ट भी अच्छा है। टेस्ट भी अच्छा है इनका जी, टेस्ट भी अच्छा। सर बहुत बहुत थैंक यू। ओके तो गाइस हमारी चिप्स लग चुकी है, तो ये देख सकते हैं इन्होंने चिप्स लगा दी इतने अच्छे तरीके से, ऊपर से मसाला डाल दिया उन्होंने, ये आ गई हमारी मायनीज और ये आ गई कैचअप और साथ में इनकी पुदीने की चटनी। तो चले गाइस इसको टेस्ट करके देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। लाजवाब इनका टेस्ट है, या बाहर से इंपोर्ट होकर चीज़ें यहाँ की, यहाँ पे इस जैसे पाक पतन सिटी में इस क्वालिटी की चिप्स मिलेगी तो टेस्ट तो अच्छा होगा ही। तो गाइस बात कर लेते इसकी प्राइस की, तो 50 रुपीज़ में आपको इससे बेहतर चिप्स कहीं नहीं मिलेगी। तो अहमद फूडीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।